तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आपके कुछ महीने, मतलब आपके जो महीने में महत्वपूर्ण दिन और दिवस मनाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग स्थायी आंकड़े आपके देखे जा रहे हैं, और अस्थायी आपके आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए आपके 2020 में जो आंकड़े बदलेंगे उन्हें हम लोग 2020 के करंट अफेयर्स में कवर करेंगे, 2021 में जो बदलेंगे, 2021 में जो 2019 में बदले थे वो 2019 में आपके कवर कर चुका था, ठीक है। तो ये करेंट में जो बदलते रहते हैं उनके बारे में हम लोग आगे अपडेट होते रहेंगे, लेकिन ये स्थायी है, ये कभी नहीं बदलेंगे। तो इनके बारे में आपको सबसे अच्छा यही है कि आपके सिविल सर्विस में भी पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। और आपने देखा है वन डे एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्ती या इस तरह की जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि आप 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर हाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब तक पता नहीं रहेगा आप कैसे कर पाएंगे कि क्या पूछा जाता है, एक अंदाजा लग जाता है इससे, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए तो हम लोग जान लेते हैं मई माह के अभी तक अप्रैल तक के आप लोग खत्म कर चुके हैं, और महत्वपूर्ण दिवस के रूप से आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में डले हुए हैं, ठीक। मई माह के महत्वपूर्ण दिन और दिवस, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, ये मालूम होना चाहिए आपको कि 1 मई को आप लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं। हर साल 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, और 1886 में शिकागो में श्रमिकों ने श्रमिक मांग पत्र में 8 8 घंटे की कारावधि सप्ताह में एक दिन के अवकाश की मांग, जिसके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। 1 मई 1923 को भारत में चेन्नई में मनाया गया था। इस दिवस का आयोजन भारतीय मजदूर किसान पार्टी ने किया था। कहने का मतलब है कि 8 घंटे काम करना पड़े और 7 सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिले, समझ रहे हैं, संडे की मिलती है, आप लोग देखते हैं ना। फिर आता है आपका 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र दिवस, महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 मई को ही आप लोग गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। गुजरात महाराष्ट्र ने 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाते हैं। महाराष्ट्र गुजरात 1 मई 1960 को राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए, इसी कारण 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में आयोजित किया गया है और किया जाता है। भारत के भाषा के आधार पर 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन भी किया गया था, ठीक है। जानते हैं आप गुजराती, मराठी, महाराष्ट्र, ठीक है। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था, आप लोगों को बताना है नीचे, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, ये कई बार पूछ लिया एग्जाम में। तो याद रखिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 1 मई को ही आपका गुजरात और महाराष्ट्र दिवस। आगे चलते हैं हम लोग, 2 मई को आप लोग देखेंगे, 2 मई को श्री हित हरिवंश चंद जयंती मनाई जाती है, ठीक ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आपके इस पीडीएफ में वही शामिल किए गए जो या तो पूछे जा चुके हैं या पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। लेकिन फिर भी बता देता हूं, कई ऐसे होते हैं कि कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये आपको देखने को मिलेगा 3 मई को, कब, 3 मई को आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस देखने को मिलेगा, यानी कि प्रेस फ्रीडम डे। विश्व स्तर पर 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को वर्ष 1993 में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना प्रस्तावित किया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर हर साल 3 मई को मनाया जाता है। यह दिवस प्रेस आजादी के मौलिक सिद्धांतों को उजागर करने और पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। देखिए हमारे, आप जानते हैं मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन भारत की मीडिया को आज इस समय में किस तरह से बढ़ चुकी है, किस तरह से गिर सक चुकी है उनकी स्थिति, आप लोग खुद देख सकते हैं। आजकल के आप लोग एंकरों की भाषा सुनिए, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि ऐसे जैसे कोई गुंडा पूछ रहा हो सवाल, कोई मतलब माफिया बात कर रहा हो। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बॉयकॉट चाइना के प्रोडक्ट का चला था, जब हमारी झड़प हुई, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए,
तो आपने देखा है कि जनता को कितना भड़काने में इनका बड़ा योगदान होता है। कहा कि वो चाइनीज सामान को मत खरीदना, ऐसा करना वैसा करना, लेकिन मैंने देखा कि वही टीवी के नीचे एक आपका क्या चल रहा था, चाइनीज मोबाइल का एड चल रहा था ओप्पो का। समझ रहे हैं आप लोग कि जनता को बेवकूफ बनाइए और आप अपने पैसा छापिए। जनता बेचारी फोड़ रही है अपने फोन को, रहे जो घर में चाइनीज प्रोडक्ट थे यानी कि सामान थे उन्हें भी फोड़ा जा रहा है। तो ये हाल है मीडिया का इस समय। आप देखिए कि एक ही दो मुद्दे को आप ले लेंगे और पूरी साल उसी को चलाते रहेंगे। कभी आपने देखा है कि शिक्षा की स्थिति पर कभी बहस नहीं होगी, जीडीपी पर कभी बहस नहीं होगी, आप महिलाओं की स्थिति पर कभी बहस नहीं करेंगे, आप स्वास्थ्य व्यवस्था पर कभी बहस नहीं करेंगे। आप उन्हीं कुछ मामले उठा लेंगे जो मसालेदार होते हैं, जो जैसे टीआरपी बढ़ती है, जो देश को आगे ले जा सकते हैं, उन पर कभी बहस नहीं होती हुई दिखाई आपको देगी। खैर यही शायद हमारे भारत का दुर्भाग्य कह दीजिए आप लोग, कि हमें इतनी अच्छी मीडिया मिली हुई है, कि कहां से कहां पहुंचा दिया है मीडिया ने। 4 मई को कोयला खनन दिवस मनाते हैं, 4 मई को कोयला खनन दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कोयले की खदानों में काम करने वाले लोगों के प्रति समर्पित यह दिन कोयला खनन से संबंधित सावधानियों के प्रति जागरूकता करने का प्रयास करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूर दमा और श्वास संबंधी बीमारी बीमारी हो जाती है उनमें, इसलिए कम से कम उन्हें जागरूक रखा जाए, इसी के लिए मनाया जाता है। फिर आप देखते हैं 5 मई, 5 मई को आप देखेंगे कि विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। 5 मई को क्या मनाते हैं, विश्व सूर्य दिवस मनाते हैं, कब, 5 मई को, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल संडे। और 5 मई को ही आप देखेंगे विश्व एथलेटिक्स दिवस भी मनाते हैं, 5 मई को ही विश्व एथलेटिक्स दिवस भी मनाते हैं, और 5 मई को ही आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट दिवस भी मनाते हैं। हर साल 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आकर्षक कार्टूनों के द्वारा जीवन में आनंद को प्रोत्साहन करना। तो याद रखिए 5 मई को आप लोग क्या क्या मनाते हैं, कोयला खनन दिवस, और माफ करिए, कोयला खनन दिवस आपका 4 मई, 5 मई को आप विश्व सूर्य दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट दिवस, ये 3 डे आप लोग मनाते हैं 5 मई को। 6 मई की भी बता देता हूं, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 6 मई को, 6 मई को, ठीक है। फिर आता है आपका 7 मई, ये 7 मई को सीमा बल संगठन स्थापना दिवस मनाया जाता है, 7 मई को सीमा बल संगठन ने अपना स्थापना दिवस 7 मई 2018 को ये छोड़ी है। यह दिवस देश के सीमावर्ती स्थानों में ढांचागत विकास के क्षेत्र में अग्रणी संगठन सीमा बल संगठन की 58 सालों की गौरवशाली सेवा आयोजित किया गया, और 7 मई 1960 को सीमा बल संगठन की स्थापना की गई, जिसके बाद से यह संगठन 2 परियोजनाओं को से बढ़ाकर 19 परियोजनाओं तक विस्तार हो चुका है। एक बात आपको बताऊं, या तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 7 मई 1960 को, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, और 7 मई को सीमा बल संगठन दिवस स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसे भी याद रखिए। साथ ही 7 मई को ही आप देखेंगे विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस भी आपका मनाया जाता है 7 मई को ही, वर्ल्ड कॉमेडी डे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस ये आपको देखने को मिलेगा 8 मई को, कब, 8 मई को मनाया जाता है। आप देखेंगे जीन हेनरी ड्यूनेंट, जिन्होंने पीड़ित मानवता की बिना भेदभाव सेवा के लिए रेड क्रॉस अभियान की शुरुआत की थी, उन्हीं के जन्मदिन को आज हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम लोग जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म की बात करें तो 8 मई 1828 को हुआ था, 8 मई 1828 को हुआ था, इन्हीं के जन्मदिवस के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे भारत में 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस
सोसाइटी का गठन भी किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 8 मई, 8 मई, 8 मई को ही आप देखेंगे कि विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाते हैं आप लोग। 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाते हैं। ये क्या रहता है कि 8 और 9 मई को भी पड़ जाता है एक तरह से। ठीक है, कुछ दिन ऐसे रहते हैं कि कभी 8 को पड़ जाते हैं, कभी 9 को पड़ जाते हैं। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस और 9 मई को आप देखेंगे, 9 मई को ही विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस रूस इन डॉन विक्ट्री डे मनाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी पर रूस की जीत की वर्षगांठ के रूप में रूस हर साल यह दिन मनाता है। ठीक है, विजय दिवस, विक्ट्री डे। अगर आपसे पूछे 10 मई की, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं हम लोग 10 मई को। आप देखते हैं दुनिया भर में पक्षियों की लुप्त होती प्रजातियों और प्रवासी पक्षियों में आई कमी को ध्यान आकर्षित करने के लिए यह मनाया जाता है। और याद रखिए, मई के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसीलिए आपकी डेट बदलती रहती है, समझ रहे हैं? कि किसी साल में आपकी 9 तारीख को विश्व थैलेसीमिया दिवस पड़ गया, कभी 8 को, तो इस तरह को भी आप याद रखिए। और विश्व प्रवासी पक्षी के बारे में यही याद रखना है कि मई के दूसरे शनिवार को, अब किसी भी डेट पर ये पड़े, उस दिन आप लोग प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। 10 मई को आप देखते हैं कि मातृ दिवस भी मनाते हैं, माँ के प्रति सम्मान और प्रीति और प्रेम की भावना विस्तार के लिए। ठीक है, दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है, दूसरे रविवार को। ठीक है, तो याद रखिए। फिर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, 11 मई को। 11 मई को हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में कार्यक्रम ऑपरेशन शक्ति पोखरण दूसरा परमाणु परीक्षण की 5 परीक्षणों में से एक की वर्षगांठ का जश्न मनाया जाता है। इसी दिन देश के प्रथम स्वदेशी विमान हंसा 3 को बेंगलोर में परीक्षण भी किया गया था। ठीक है, और 12 मई की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी 12 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नर्सों के योगदान को चिन्हित करने और नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल गेल की जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिवस पर भारतीय राष्ट्रपति नर्सिंग कर्मियों को ईमानदारी और भक्ति समर्पण और करुणा हेतु राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भी देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखिए। 12 मई, तेरह मई की बात अगर बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है 13 मई, 13 मई को। हर साल मई महीने की 13 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 13 मई को माताओं के रिश्ते को बढ़ाने के उपलक्ष्य में विश्व मातृत्व दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 8 मई 1914 को अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने आयोजित किया था। ठीक है, कब? 8 मई 1914 को पहली बार। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की अगर पूछे तो 15 मई को मनाया जाता है। कब? 15 मई को। हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस समाज की मूल इकाई को प्रभावित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रगति के ज्ञान को बढ़ाने और परिवार से संबंधित मुद्दों के प्रति जानकारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ध्यान दें कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1993 में अपने संकल्प 47-237 द्वारा घोषित किया गया था, तभी से ये मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करूं विश्व सूचना समाज दिवस की तो ये 17 मई को मनाया जाता है। हर साल आप देखेंगे 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार और सूचना समाज दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। यह दिवस पहला विश्व टेलीग्राफ सम्मेलन के निर्माण पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। यह दूर संचार और प्रौद्योगिकी और आधुनिक समाज में इंटरनेट के प्रभाव, डिजिटल जागरूकता लाने के लिए समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगर कोई छूट जाए तो आप नीचे लिख दीजिए देना। ठीक है, अगर आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं है, तो आप नीचे, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी मनाने की घोषणा होती रहती है। ठीक है, तो ये समय समय पर बदलते रहते हैं, मतलब आते रहते हैं और भी जुड़ते जाते हैं, तो उन्हें आप लोग नीचे लिखते रहा करिएगा।
राष्ट्रीय पोखरण परमाणु विस्फोटक दिवस की बात करूं तो ये 18 मई को, और 18 मई को ही आप लोग देखेंगे कि विश्व संग्रहालय दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व हेपेटाइटिस डे की बात करूं तो 19 मई को मनाया जाता है। कब? 19 मई को आपका हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और विश्व मेट्रोलॉजी डे ये आपका 20 मई को मनाया जाता है। कब? 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी डे। अगर 21 मई की बात करूं तो आतंकवाद विरोध दिवस, आतंकवाद विरोध दिवस आपका 21 मई को मनाया जाता है। आज के समय में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या है भारत के लिए, तो और सबसे बड़ी समस्या है, आए दिन आप देखते हैं कि आतंकी हमले होते रहते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि संसद तक भी पहुंच जाते हैं वो लोग, तो आम जनता के बारे में आप सोच सकते हैं। ये सोचिए कि सांसद, संसद की आप लोग कितनी निगरानी में रहती है, कितनी एक तरह से कहिए सुरक्षा रहती है, फिर वहां पहुंचने जाए तो आम जनता तक पहुंचना इनके लिए आम बात है। वर्ष 1991 में तमिलनाडु के सिरी पोरबंदर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या एक आतंकी हमले के 21 मई को कर दी गई थी। उसी के उपलक्ष्य में देखते हैं आप लोग कि 21 मई को आतंकवादी आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मई को ही विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस भी मनाया जाता है। 22 मई को आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं तो ये आपका 22 मई, 22 मई एक तरह से इसलिए मनाते हैं कि हमारे प्राकृतिक तंत्र द्वारा प्रदान की गई विविधता का जश्न, उसके प्रति जागरूकता है। ये संयुक्त राष्ट्र मनाता है। क्या? संयुक्त राष्ट्र। आपकी अगर 23 मई की बात करूं तो विश्व कछुए डे, कछुआ देखा है आप लोगों ने, उसी की याद में एक तरह से आप कह दीजिए कि ये मनाया जाता है विश्व कछुआ डे। ठीक है, 23 मई को। कब? 23 मई को। 24 मई की बात करें तो विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। 24 मई को विश्व तपेदिक दिवस मनाते हैं। 24 मई को ही आप देखें कि राष्ट्रमंडल दिवस भी मनाते हैं। क्या? राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। इसमें आप देखेंगे पहले इस दिवस को एम्पायर दिवस के रूप में मनाया जाता था, उसके बाद हेराल्ड मैक मिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस रखा गया। इंग्लैंड की महारानी ने 1901 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल दिवस मनाने का जिक्र किया था, और 1902 में रानी के निधन के बाद इसे प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल दिवस। उसके बाद अगर हम बात करें 25 मई की तो ये आपको देखने को मिलेगा, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 26 मई को विश्व धातु दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 मई को विश्व धातु दिवस के रूप में मनाते हैं, और 29 मई को आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाते हैं। माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाते हैं। और 29 मई को याद रखिए आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और 30 मई की बात करें तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 31 मई की अगर बात करें तो विश्व तंबाकू विरोधी दिवस, ये भी कई बार पूछ लिया गया है, तो विश्व तंबाकू विरोधी दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है। हर साल 31 मई को विश्व स्तर पर तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि तंबाकू खपत को कम करने हेतु प्रभावी नीतियों का लागू करना और स्वास्थ्य जोखिमों पर व्यक्तियों को जानकारी देना। ध्यान दें कि 1981 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रतिवर्ष 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में आयोजित करना प्रस्तावित किया था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुख्य चिन्हित आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। अगर WHO की स्थापना की बात करूं तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिए 7 अप्रैल को इसलिए आप देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। एक बात और याद रखिए आप लोग, हमने देखा होगा कि जो भी तंबाकू के प्रोडक्ट आते हैं उन पर एक चेतावनी रहती है, एक फोटो लगी रहती है,
फिर भी लोग यूज क्यों करते हैं, उपयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है अगर आपको मालूम हो तो। महीने मई महीने का दूसरा रविवार, रविवार आपके मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं, और मई महीने के पहले मंगलवार को आप लोग विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाते हैं। एक इसी साल में दूसरी तारीख को पड़ जाता है किसी में दूसरी, तो इसलिए याद रखिए। यह विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक मई वर्ष के मई महीने में पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मनुष्य में होने वाली बीमारी अस्थमा के बारे में जागरूकता और शिक्षा के लिए इस दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस बीमारी के बारे में इलाज जानकारी जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ये समय लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से अस्थमा मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस बीमारी को रोकने के लिए विश्व स्तर पर इस अस्थमा बीमारी की जागरूकता के बारे में जानकारी देने हेतु इस दिवस का आयोजन करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये थे महीने के, आपके मई महीने के महत्वपूर्ण दिन और जिस रूप में मनाए जाते हैं उनके बारे में। अगर कुछ छूटे हो तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग मिलते हैं जून महीने के महत्वपूर्ण दिन और दिवस देखेंगे, ठीक है।